पर काम करती है। फुली ऑटोमेटिक बंदूकों से अलग, जो कि लगातार फायर कर सकती हैं, सेमी ऑटोमेटिक बंदूकें एक बार ट्रिगर दबाने पर एक ही राउंड फायर करती हैं। यह एक 9mm सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेमी ऑटोमेटिक हैंडगन्स और पिस्तौलें कैसे काम करती हैं। यह एक कारतूस या कार्ट्रिज है। इसे मैगजीन में लोड किया जाता है, जिसमें स्प्रिंग और फॉलोअर इस पर दबाव बनाए रखते हैं। मैगजीन का डिजाइन कुछ इस प्रकार का होता है कि कारतूस आगे स्लाइड होकर ही बाहर आ सकता है। इस मैगजीन को बंदूक में रखा जाता है। यहाँ पर बंदूक के अंदर के महत्वपूर्ण पार्ट्स दिखाए गए हैं। बंदूक को पहली बार फायर करने के लिए रिकॉइल स्प्रिंग के अगेंस्ट स्लाइडर को हाथ से पीछे खींचा जाता है। इसके कारण कई चीजें एक साथ होती हैं, जिन्हें हम एक एक करके देखेंगे। स्लाइडर के मूवमेंट के कारण हैमर पीछे आता है। यह हैमर स्ट्रट के जरिए मेन स्प्रिंग से जुड़ा होता है और इसलिए मेन स्प्रिंग को दबा देता है। यह सीयर है। यह हैमर के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। जब स्लाइडर पीछे जाता है, तब सीयर लीफ स्प्रिंग के दबाव में हैमर के साथ एंगेज हो जाता है और हैमर को वापस जाने से रोकता है। जब स्लाइडर को छोड़ दिया जाता है, तब रिकॉइल स्प्रिंग के कारण स्लाइडर अपनी पहले वाली स्थिति में चला जाता है, जबकि हैमर सीयर के कारण अपनी स्थिति में बना रहता है। इस प्रक्रिया को कॉकिंग कहते हैं। जब स्लाइडर पीछे आता है, तो इस पर बने प्रोजेक्शन बैरल को पीछे की ओर धकेलते हैं, जिसके कारण बैरल कुछ नीचे हो जाता है और इसलिए अब इसमें कारतूस आसानी से भरा जा सकता है। जब स्लाइडर वापस लौट रहा होता है, तो यह एक कारतूस बैरल में ले जाता है और बैरल को अपनी पहले वाली स्थिति में धकेल देता है। कारतूस का पिछला हिस्सा एक्सट्रैक्टर में फंस जाता है, जो कि स्लाइडर से जुड़ा होता है। पिस्तौल अब फायर करने के लिए तैयार है। जब ट्रिगर दबाया जाता है, सीयर डिस्कनेक्टर के माध्यम से धकेल दिया जाता है, जिसके कारण यह हैमर से डिसएंगेज हो जाता है। हैमर अब फ्री है और मेन स्प्रिंग के दबाव में यह फायरिंग पिन, जो कि स्लाइडर में फिक्स्ड होती है, से जा टकराता है। बदले में यह फायरिंग पिन कारतूस के प्राइमर पर स्ट्राइक करती है। प्राइमर में इंपैक्ट सेंसिटिव एक्सप्लोजिव होता है, जो फायरिंग पिन के टकराने की वजह से जल जाता है। इसके कारण कारतूस में रखे पाउडर में आग लग जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारी गैसेस पैदा होती हैं। और इस प्रकार बुलेट के पीछे की जगह बेहद हाई प्रेशर गैसों से भर जाती है, इसलिए बुलेट पर पीछे से बल लगता है, जिसके कारण बुलेट बहुत तेज गति के साथ बैरल से बाहर निकलती है। बुलेट के बाहर आ जाने पर यह गैसेस एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं और अब यह बुलेट पर कोई बल नहीं लगाती है और बुलेट अपने मोमेंटम के कारण आगे बढ़ती जाती है। बैरल में कुछ लकीरें और खांचे बने होते हैं, जो आगे बढ़ते समय बुलेट को स्थिरता के लिए घुमा देते हैं। कैसे बंदूक पर भी समान और विपरीत बल लगाती है, पर चूंकि बंदूक काफी भारी होती है, इसलिए इसका एक्सीलरेशन बुलेट के मुकाबले काफी कम होता है और इसलिए यह पीछे की तरफ ज्यादा गति प्राप्त नहीं कर पाती है। विस्फोट की कुछ एनर्जी स्लाइडर को पीछे धकेलने में इस्तेमाल हो जाती है।
केस या खोखा स्लाइडर के साथ पीछे आता है और इजेक्टर की मदद से बाहर निकाल दिया जाता है। साथ ही साथ स्लाइडर हैमर को पीछे धकेलता है और बंदूक को अपने आप रिलोड भी कर देता है। और अब बंदूक अगला राउंड फायर करने के लिए तैयार है। ट्रिगर दबाने पर सीधे सीयर पर धक्का नहीं लगता है, सीयर डिस्कनेक्टर की मदद से धकेला जाता है। जब स्लाइडर पीछे की तरफ जाता है तो इस पर बने स्लॉट की मदद से यह डिस्कनेक्टर को नीचे की तरफ खिसका देता है। अब ट्रिगर और सीयर अलग हो गए हैं और इसलिए ट्रिगर दबे होने पर भी सीयर हैमर के साथ एंगेज हो सकता है। जब ट्रिगर छोड़ दिया जाता है तब डिस्कनेक्टर लीफ स्प्रिंग के दबाव के कारण स्लाइडर के स्लॉट में चला जाता है और अब बंदूक फिर से फायर की जा सकती है। ग्रिप सेफ्टी बंदूक को अपने आप फायर कर